अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे एनेटमी ऑफ पाम ऑफ हैंड का पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हम जो इसमें पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डीप फेशिया के। जो पहला पार्ट था उसमें हमने फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, जो हमारे पास रिस्ट में बनती है, जिसके अबव और बिलो हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो पास हो रहे थे, हमने उनको डिस्कस किया था। अब जो हमने पढ़ना है, हम पढ़ेंगे पाल्मर एपोन्यूरोसिस। पाल्मर एपोन्यूरोसिस क्या है? अब जो हमारे पास डीप फेशिया है पाम का, उसका सेंट्रल पार्ट जो है, जो कवर कर रहा है सुपरफिशियल पाल्मल आर्च को, ठीक है। ये सुपरफिशियल पाल्मल आर्च के साथ कवर करता है लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन को, टर्मिनल पार्ट मीडियन नर्व का और सुपरफिशियल ब्रांच अल्नर नर्व की। अगर हम अपेरेंस की बात करें पाल्मर एपोन्यूरोसिस की, तो ये ट्राइंगुलर इन शेप है। इसकी जो एपेक्स है, ये ब्लंट हुई होती है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के साथ, और ये कंटिन्यूअस कर जाता है टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गेस के साथ। अगर हम इसकी बेस की बात करें, तो ये ना सुपरफिशियल और डीप स्ट्रेटा में डिवाइड है। सुपरफिशियल जो है वो डर्मिस के साथ अटैच हो जाती है, और जो डीप है वो फर्दर फोर स्लिप्स ऑपोजिट टू द हेड ऑफ मेटाकार्पल में डिवाइड हो जाती है। अब जो हर स्लिप है वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होती है। पहले बेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सुपरफिशियल और डीप। उसके बाद जो डीप है वो फोर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब डीप का जो एक स्लिप है वो फर्दर टू पार्ट्स में नेक्स्ट डिवाइड हो रही है, जो कंटिन्यू करके हमारे पास बना देता है फिब्रस फ्लेक्सर शीट्स। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो जो पाल्मर पाल्मर एपेन्यूरोसिस है, ये स्किन ऑफ पाम को फिक्स करता है, ठीक है, और ग्रिप को इम्प्रूव करता है। फंक्शन ऑफ पाल्मर एपेन्यूरोसिस, और ये अंडरलाइन टेंडन, वेसल्स, नर्व्स वगैरह को हमारे पास प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट डायग्राम हमें दिखाया गया है, ये ट्राइंगुलर इन शेप है, फोर फिंगर के साथ जाके ये पाल्मेरिस लोंगेस के साथ जाके ये अटैच हो रहा है। अब हमने पढ़ा ये ब्लेंड कर रहा है हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पे, उसके बाद हमारे पास ये फोर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इसकी जो बेस है डीप और सुपरफिशियल, टू पहले ब्रांचेस आ रही है ना, जो सुपरफिशियल है वो स्किन के साथ अटैच हो रही है, जो डीप है वो हमारे पास टू फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसमें से हमारे पास ये बेस ऑफ फोर डिजिट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हर स्लिप जो है इसकी वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो आगे जाके फिब्रिस बैंड बन जाता है हमारे पास, फिब्रिस शीथ बन जाती है। जो फाइब्रस शीथ्स ऑफ द फिंगर्स है, उसमें हमारे पास आ जाता है कि ये बनी किससे हुई है। ये हमारे पास डीप फेशिया से बनी हुई है फिंगर्स की। अब इसका जो फेशिया होता है ना, वो थिक होता है और आर्च्ड होती है उसमें, और ये अटैच कर देता है हमारे पास फेलिंग्स के साइड पे, फेलिंजीज के, और क्रॉस कर जाता है बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स को। अब हमें पता है, हमने अप्रोक्सीमेटली पढ़ा कि ये कंटिन्यूअस किसकी है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस की। वो कहते हैं जिस वे में अब ब्लंट ऑसियो फेशियल टनल बन जाते हैं, जिसमें लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन इंक्लोज होते हैं, ठीक है, एक डिजिटल साइनोवियल शीथ में ओसियोफेशियल टनल बनता है, जिसमें लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन जो है वो इंक्लोज होते हैं साइनोवियल शीथ के अंदर। अब जो फिब्रस शीथ है, ये थिक ऑपोजिट होती है द फिलेंजिस, और थिन ऑपोजिट द ज्वाइंट टू परमिट फ्लेक्शन। थिक कहाँ पे होती है? ऑपोजिट वाली साइड पे, और थिन कहाँ पे होती है? ज्वाइंट के फ्लेक्शन, जहाँ पे इसने परमिट करना होता है ज्वाइंट की फ्लेक्शन को, उससे ऑपोजिट साइड पे ये थिन होती है। अब ये जो शीथ है, ये टेंडन को होल्ड करके रखती है ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। थीक है मतलब फ्लेक्शन वाली साइड पे थीक है, एक्सटेंशन वाली साइड पे थिन है। अगर हम डिस्टल फेलिंग्स की बात करें, तो उस पर फ्लेक्शन हो रही है, हमारे पाम की तरफ फिंगर मूव करके आती है हमारा डिस्टल डिजिट, ठीक है, तो इधर वाली साइड पे थिक है, और जो ज्वाइंट परमिट कर रहा है, ठीक
फ्लेक्शन को उधर उसके ऑपोजिट सीन में। अब हम बात करते हैं साइनोवियल शीट्स ऑफ फ्लेक्सर टेंडन्स की। अब जो कॉमन साइनोवियल शीट है ना, वो हमारे पास अल्नर बर्स आ जाते हैं अल्ना साइड पे, रेडियल बर्स आ जाते हैं थंब वाली साइड पे, और डिजिटल साइनोवियल शीट हमारे पास आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल साइनोवियल बर्सा। अब अगर हम बात करें कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ की, इसमें जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स हैं, मतलब फ्लेक्सर डिजिटल ऑफ सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, ये बंद होते हैं साइनोवियल शीथ में। जब ये पास कर रहे होते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के डीप, ठीक है, मतलब कार्पल टनल से क्रॉस कर रहे होते हैं उसके ऊपर से। अब शीत पे एक पैराइटल लेयर होती है जो लाइन करती है कार्पल टनल को, और एक विजरल लेयर होती है, विजरल जो अप्लाइड होती है टेंडन पे। एक पैराइटल लेयर है, एक विजरल लेयर है। विजरल लेयर हमारे पास टेंडन पे अप्लाइड हुई है, और जो पैराइटल लेयर है वो वॉल लाइनिंग कर रही है वॉल ऑफ कार्पल टनल की। अब जो साइनोवियल शीत है ये एक्सटेंड कर रही है अपवर्ड 5 to 7.5 सेंटीमीटर फोरआर्म में, और डाउनवर्ड इनटू द पाम मिडल शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन से ये हमारे पास लिटल फिंगर को जाके सप्लाई करती है। इनमें क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको ये 30 पॉइंट्स पढ़ाने के बाद बताती हूँ कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसमें क्या है। वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट लोअर मीडियल एंड इज कंटिन्यूस विद द डिजिटल साइनोवियल शीट ऑफ लिटिल फिंगर। नेक्स्ट आ जाता है साइनोवियल शीट ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, मीन रेडियल वर्सा, रेडियल वर्सा ऑफ एट साइड ऑफ रेडियल। इसकी सेपरेट शीट है, स्पीरियरली ये को एग्जिस्ट एक्सटेंसिव है कॉमन शीट के साथ, और इनफेरियरली एक्सटेंड कर जाता है डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिजिटल साइनोवियल शीट, मतलब डिजिट्स पे होगी। ये इनक्लोज कर रही है फ्लेक्सर टेंडन को फिंगर पे, और फाइब्रस फ्लेक्सर शीट को ये लाइन कर रही है। अब जो डिजिटल शीट है लिटिल फिंगर की, ये कंटिन्यूस करती है अल्नर बर्सा के साथ एंड डेट ऑफ थंब विद द रेडियल बर्सा। जो बाकी तीन डिजिट्स इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, इनकी अलग अलग साइनोवियल डिजिटल साइनोवियल शीट है, लेकिन लिटिल फिंगर जा रहा है अल्नर बर्सा के साथ, थंब जा रहा है रेडियल बर्सा के साथ। अब जो डिजिटल शीट है हमारे पास इंडेक्स की, मिडल, लिटिल फिंगर की दोनों की सेपरेट, तीनों की सेपरेट और इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम इसमें बात करें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो जब हमारे पास हमने ग्लूकोज का या आरबीसीज चेक करनी होती है या हमने डायबिटीज चेक करनी होती है, तो हम फिंगर में से ब्लड लेते हैं, तो हम इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर या रिंग फिंगर, इन तीनों में से ब्लड लेते हैं, हम थंब में से या लिटिल फिंगर में से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन है, नीडल डिसइंफेक्ट है, हमारे पास कोई भी ऐसा पार्टिकल है, ऐसा एरिया है जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हमने स्प्रिट नहीं लगाई है, हमने उसको अच्छी तरह से एरिया को क्लीन आउट नहीं किया है, तो हम अगर लिटिल फिंगर या थंब से लेते हैं तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि वो बढ़ जाए, क्योंकि ये आगे कंटिन्यूस हो रहा है। तो इसलिए हम इन तीन फिंगर्स पे लेते हैं ताकि कोई मसला हो तो वो मसला इन फिंगर्स तक ही रहता है, उसको हम ईजिली हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वेनकुला लोंगा एंड ब्रेविया। लोंगा का हमें मतलब पता है लॉन्ग, ब्रेविया का हमें मतलब पता है शॉर्ट। अगर हम लोंगा की बात करें तो ये हमारे पास ये वो चीज़ें हैं, पहले हम ओवरऑल इसको डिस्कस करते हैं। ये साइनोवियल फ्लोट फोल्ड्स को कनेक्ट करते हैं जो टेंडन होते हैं फ्लेंजिस के साथ, ठीक है। ये वो साइनोवियल फ्लोइड्स हैं, फोल्ड्स हैं जो टेंडन को फ्लेंजिस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये ट्रांसमिट करते हैं वेसल्स टू दी टेंडन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंडन को वेसल्स ट्रांसमिट कौन करते हैं? वेनकुला लोंगा और ब्रेविया। ये साइनोवियल शीथ के वो पॉइंट्स हैं
जो हमारे पास टेंडन को ज्वाइन करते हैं फ्लेंजेस के साथ, मतलब बोन्स के साथ, और ये वेसल्स अटैच करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। अब जो वेंकुला लोंगा है ना, यूजुअली इसके दो अटैचमेंट्स होती हैं, सुपरफिशियल टेंडन के साथ एक होती है और एक इसकी होती है डीप टेंडन के साथ। और जो ब्रेविया है वो सिर्फ डीप सरफेस ऑफ टेंडन के साथ इंसर्ट करते हैं। जहाँ पे उसकी इंसर्शन होती है ना, वहीं पे ये उसके करीब ही अटैच होते हैं। अच्छा, पहले हमने पढ़ा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, पाल्मर एपिनिरोसिस और फेब्रिस शीथ। सानविया शीथ ऑफ फ्लेक्सर टेंडन। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसर रेटिनेकुलर रेटिनेकुलम की। फ्लेक्सर हमें पता था हमारे पास फ्लेक्शन वाले साइड पे, अब एक्सटेंसर हमारे पास एक्सटेंसर सरफेस जिसको हम डोर्सल सरफेस भी कहते हैं, फ्लेक्सर सरफेस जिसको हम वोलर सरफेस भी कहते हैं। अब जो डीप फेशिया है रिस्ट की बैक पे, वो थिकेंड होता है, ठीक है, ताकि वो क्या बना सके, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, जो होल्ड करता है एक्सटेंसर के टेंडन को उसकी प्लेस पे। अब ये ऑब्लीक बैंड है जो डायरेक्टेड टूवर्ड होता है और मीडियली होता है, ठीक है। ऑब्लीक बैंड है टूवर्ड डाउनवर्ड नीचे को जा रहा होता है और मीडियली मूव कर रहा होता है, या 2 सेंटीमीटर तक ना ये वर्टिकली ब्रॉड होता है। इसकी अटैचमेंट की बात करें तो ये लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे है लेटरली, और मीडियली स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना ट्राइक्यूट्रल और पिसिफॉर्म बोन पे। हमने अभी पढ़ा ये ऑब्लीकली जा रहा होता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रहा होता है और ये हमारे पास मीडियली मूव कर रहा है। अब ये रेडियल साइड से स्टार्ट होकर स्टाइलॉइड प्रोसेस, ट्राइक्यूट्रल बोन और पिसिफॉर्म बोन पे हमारे पास जो कार्पल बोन्स हैं, जिस 8 कार्पल बोन में से 2 कार्पल बोन्स पे जो मीडियली साइड पे पड़ी हैं उन पे अटैच होते हैं। जो फ्लेक्सर था वो इसके ऑपोजिट था, वो रेडियल पे लेटरल साइड पे, मतलब रेडियल वाली साइड पे स्केफॉइड प्रोसेस पे, और क्रीज ऑफ हमारे पास आ रही थी, और जो लेटरली था वो हमारे पास हुक ऑफ हेमेट और इसी फॉर्म बोन पे था। अब जो कंपार्टमेंट्स, अगर हम इसके कंपार्टमेंट्स की बात करें तो जो रेटिनेकुलम है ये सेंट जा रही है डाउनवर्ड, सेप्टा जो अटैच हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल रिजिस ऑन द पोस्टीरियर सरफेस लोअर एंड ऑफ रेडियस पे। इन दिस वे 6 ओसियोफेशियल कंपार्टमेंट्स हैं जो बैक ऑफ रिस्ट पे बनते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 6, जो बैक ऑफ रिस्ट पे बन रहे हैं। हर कंपार्टमेंट साइनोवियल शीट से लाइंड हुआ हुआ है जो रिफ्लेक्टेड करते हैं ऑनटू द कंटेन टेंडन पे। स्ट्रक्चर जो पास हो रहे हैं हर कंपार्टमेंट से वो लेटरल से मीडियली साइड पे हमने लिस्ट किए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब जो कंपार्टमेंट 1 में, इसमें एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर ब्रेविस, पॉलिसिस ब्रेविस। पॉलिस का जो वर्ड है वो थंब के लिए यूज होता है, थंब की एबडक्शन कराने में और एक्सटेंशन करवाने में, कंपार्टमेंट 1 में। कंपार्टमेंट 2 में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। जो कंपार्टमेंट 2 है उसमें हमारे पास आ रहा है फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर, सॉरी एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस। अगर हम कंपार्टमेंट 3 की बात करें तो इसमें एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस इन्वॉल्व है सिर्फ। फोर्थ कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडेक्सिस मतलब लिटल फिंगर का एक्सटेंसर टेंडन, फिंगर्स का मिडल रिंग और इंडेक्स फिंगर, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व और एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। इन 5 कंपार्टमेंट्स जो हमारे पास इन्वॉल्व है वो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी इन्वॉल्व। 6 कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। हमारे पास टोटल 6 कंपार्टमेंट्स हैं।
सब कंपार्टमेंट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, और ये जो हम कंपार्टमेंट्स पढ़ रहे हैं ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, ये ऑब्लिगली जा रहा है बैंड, और ये हमारे पास रेडियल वाली साइड से शुरू होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, पीसीफॉर्म और ट्राइक्यूट्रल बोन के साथ जाके अटैच होता है। इसमें हमारे पास टोटल 6 कंपार्टमेंट्स हैं। अगर हम इसके डायग्राम में देखें तो पहले कंपार्टमेंट है अबडक्टर्स और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, इनके रेडियल साइड थंब वाली साइड पे है, तो थंब का एक्सटेंसर और थंब का एबडक्टर्स। उसके बाद एक्सटेंसर कार्पा अल्नारे रेडियलिस का लॉन्गस और ब्रेविस इन्वॉल्व है। फिर थर्ड कंपार्टमेंट में पॉलिसिस लॉन्गस एक्सटेंसर है, ठीक है। फिर डिजिटोरम आ जाता है, डिजिटी मिनी आ जाती है, आर्टरी और नर्व हमारे पास गुजरती है। फोर्थ कंपार्टमेंट में ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, हमारे पास कितने कंपार्टमेंट है, 6। आर्टरी और नर्व किस कंपार्टमेंट से गुजर रही है, फोर्थ। देन हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनी में और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, ये स्मॉल ट्राइंगुलर एपोन्यूरोसिस है जो रिलेट करती है एक्सटेंसर डिजिटोरम के हार्ट टेंडन के साथ, ठीक है। ये कवर कर रही है डोर्सम ऑफ प्रोक्सिमल फैलिंग्स, प्रोक्सिमल होता है जो हमारे पास मिड लाइन के करीब होता है या बॉडी के करीब होता है। इसकी बेस की बात करें जो कि प्रोक्सिमल है, ये मेटाकार्पोफ्लिंजल जॉइंट को कवर कर रही है, कार्पल और मेटाकार्पल, मेटाकार्पोफ्लिंजल जॉइंट्स को कवर कर रही है। अगर मेन टेंडन की बात करें इसके, तो वह एक्सटेंसर डिजिटोरम है जो कि ऑक्यूपाई कर लेता है सेंटर पार्ट ऑफ एक्सटेंशन को। हम इसको सेपरेट करते हैं मेटाकार्पल फ्लिंजियल जॉइंट बाय बर्सा, ठीक है, एक बर्सा के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं। अब जो पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर है एक्सटेंसर एक्सपेंशन का, ये ज्वाइन होता है एक टेंडन ऑफ इंट्रोशिया के थ्रू और लम्ब्राइकल्स के मसल्स के थ्रू। अब जो कॉर्नर है वो अटैच होता है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट के साथ। अब जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इंट्रोशिया का, मतलब प्रॉक्सिमल लम्ब्राइकल डिस्टल, इनको हम कहते हैं विंग टेंडन्स। नियर द प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स द एक्सटेंसर टेंडन डिवाइड इनटू सेंट्रल स्लिप एंड टू कोलेटरल स्लिप। कहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजिस में, मतलब फ्रेंजिस प्रॉक्सिमल है, इंटरफ्रेंजिस है और हमारे पास डिस्टल है। अब जो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट है एक्सटेंसर टेंडन का, ये डिवाइड हो जाता है सेंट्रल स्लिप में और प्रॉक्सिमल स्लिप में, टू प्रॉक्सिमल स्लिप में। अब जो सेंट्रल स्लिप है ये ज्वाइन हो जाती है सम फाइबर्स के साथ और ये मार्जिन बना देती है एक्सपेंशन का, क्रॉस करती है प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट को और ये इंसर्ट हो जाती है डोर्सम ऑफ द बेस ऑफ मिडल फैलिंग्स पे। अब जो टू कोलेटरल स्लिप है ये ज्वाइन होते हैं रिमेनिंग थिक मार्जिन ऑफ एक्सटेंसर एक्सपेंशन के साथ। फिर ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और इंसर्ट हो जाते हैं बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स के साथ, क्योंकि ये ट्रायंगुलर इन शेप है। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कंप्लीटली करती हूँ। अगर हम बात करें कि मेटाकार्पोफ्लिंजल जॉइंट पर इंटरफ्रेंजियल जॉइंट पर जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन है ये बना देती है डोर्सल पार्ट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल जॉइंट का। अब जो रेटिनेकुलर लिगामेंट है ये लिंक लिगामेंट है, ठीक है, ये लिंक कर रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंस फाइब्रस फ्लेक्सर शीट से मार्जिन ऑफ एक्सटेंसर एक्सपेंशन के साथ, ये रीच कर जाता है बेस पे ऑफ डिस्टल फैलिंग्स पे। अब जो मसल इंसर्ट होते हैं हमारे पास डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के, वो इंडेक्स फिंगर पे, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। जो फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशिया है, सेकंड पाल्मर इंट्रोशिया है, फर्स्ट लम्ब्राइकल एक्सटेंसर डोर डिजिटोरम स्लिप
और एक्सटेंसर इंडिसेस, ये मसल्स हमारे पास इंडेक्स फिंगर पे इंसर्ट हो रहे हैं। डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिडिल फिंगर पे। जो सेकंड और थर्ड डोर्सल इंट्रोशियाएं हैं, ये सेकंड लम्ब्राइकल, उसमें फर्स्ट इंट्रोशिया था, इसमें सेकंड और थर्ड इंट्रोशिया आ जाएगा, सेकंड लम्ब्राइकल आ जाएगा, एक्सटेंसर डोरिटोरम स्लिप आ जाएगी। ठीक है, अब मिग्रीन फिंगर पे फोर्थ डोर्सल इंट्रोशिया है, थर्ड पाल्मर इंट्रोशिया है, डोर्सल है फोर्थ और पाल्मर कौन सी है, थर्ड है। थर्ड लम्ब्राइकल और एक्सटेंसर डिजिटोरम। लिटिल फिंगर की बात करें तो इसमें फोर पाल्मर इंट्रोशिया है, फोर्थ लम्ब्राइकल, एक्सटेंसर डिजिटोरम स्लिप और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास लेटरल और मीडियल साइड पे आ रहा है। ये जो डायग्राम है मैं दिखाया है, ये मिडिल फिंगर का है, जिसमें हमारे पास सेकंड लम्ब्राइकल, सेकंड डोर्सल इंट्रोशिया है, थर्ड डोर्सल इंट्रोशिया है, अटैच हो रहा है। ठीक है, और एक्सटेंसर डिजिटोरम की स्लिप जा रही है इस पे, या के ज्वाइन करके एक ही बेस बना देता है डिस्टल फैलिंग्स पे। दिस इज ऑल अबाउट एनेटमी ऑफ पाम ऑफ हैंड। वी रीड अबाउट फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, वेंकुला लोंगा ब्रेविया, सिनोवियल शीथ, पाल्मर एपोन्यूरोसिस, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ ऑफ फिंगर एंड स्किन ऑफ हैंड ओवरव्यू।